हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और अब आपका 9वां महीना पूरा हो रहा है तो फिर भी आपको बच्चे के वज़न की ज़रूर टेंशन हो रही होगी कि आखिर मेरा बच्चे का वज़न कितना होगा, क्या मेरा बच्चा हेल्दी होगा, क्या उसका वज़न इतना एडिक्वेट होगा कि वो सर्वाइवल होगा या तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बच्चे के वज़न के बारे में बताने जा रही हूँ कि बच्चे का कितना वज़न सही होता है, कितना नॉर्मल है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपका 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 36-37 वीक्स हो जाते हैं, और जब डिलीवरी होने का टाइम आ जाता है, 38 वीक्स के बाद में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और यदि हम इलेक्टिव सिजेरियन प्लान कर रहे हैं, यानी कि प्लान डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 38+ वीक्स पे ही करते हैं। ऐसी स्थिति में हम पहले सोनोग्राफी करके बच्चे का वज़न ज़रूर चेक करते हैं, और जब बच्चे का वज़न चेक किया जाता है तो जनरली हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे का वज़न एटलीस्ट 2.5 kg के ऊपर हो, यानी कि 2.5 किलो के ऊपर के बच्चे को स्वस्थ बच्चा माना जाता है, और यदि 2.5 किलो के नीचे है तो फिर उसे लो बर्थ वेट में काउंट करते हैं। लो बर्थ वेट का मतलब है कि बच्चे का वज़न जितना होना चाहिए उससे कम है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, बच्चे को हो सकता है न्यूट्रिशन पूरा ना मिल रहा हो सकता है बच्चे को ब्लड सप्लाई पूरी ना मिल रही हो, या हो सकता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही ना हो रहा हो। ऐसी स्थिति में और भी अंगों को इवेल्युएट किया जाता है, 3D सोनोग्राफी की जाती है, और ये पता लगाया जाता है कि बच्चे में और किसी कारण की कमी तो नहीं है, बच्चे में और कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को कोई तकलीफ हो। और ऐसी स्थिति में यदि कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो बच्चे की डिलीवरी थोड़ी जल्दी भी कराई जा सकती है, या फिर सब कुछ सही आता है तो हम और वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, खून बढ़ाने की दवाई देते हैं, प्रोटीन ऐड करते हैं, कैल्शियम ऐड करते हैं, जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़ाया जा सके और एक तंदुरुस्त बच्चा, हेल्दी बच्चा डिलीवर आउट किया जा सके। अब यदि आपके बच्चे का वज़न 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में आता है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, हेल्दी बच्चा पैदा होगा, तंदुरुस्त होगा, बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार के फर्दर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि आपको दर्द आ रहे हैं या प्लान डिलीवरी भी प्लान कर रही हैं तो डेफिनेटली आप बेफिक्र होकर डिलीवरी करवा सकती हैं, बच्चे अच्छा ही पैदा होगा, बच्चा तंदुरुस्त ही होगा। अब किसी किसी लेडीज़ का बच्चा 3 किलो के ऊपर भी डायग्नोस होता है, यानी कि बच्चे का वज़न 3.5 किलो, 3.5 किलो तक आता है, तो ऐसे स्थिति में बच्चा थोड़ा सा वज़नी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, कभी बच्चे का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो पेल्विक कैनाल के अंदर या वजाइनल जो बर्थ कैनाल होती है या बच्चेदानी का जो रास्ता होता है जहाँ से बच्चा डिलीवर आउट होना होता है वो प्रॉपर तरीके से आने में टाइम लग सकता है। तो बच्चे का यदि सिर का साइज़ बड़ा है तो हो सकता है कि नीचे आपका रास्ता फट जाए या आपके टाँके ज़्यादा देने पड़ें या डिलीवरी में समस्या आ जाए। कई बार यदि बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है और आपका हाइट काफ़ी कम है तो पेल्विस शॉर्ट हो सकता है, और ऐसी स्थिति में बच्चे का फंसने का खतरा हो सकता है। तो पहले अपने डॉक्टर से इवेल्युएशन अच्छे से करवा लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, और यदि नॉर्मल डिलीवरी में लगता है कि कोई खतरा है तो डेफिनेटली फिर हमें इलेक्टिव सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम सिर्फ 1 या 2 बच्चे हम लोग पैदा करते हैं, और उसमें भी हम यदि नॉर्मल डिलीवरी के कारण अपना बच्चा खो दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिलीवरी का एक ही एम होता है, स्वस्थ मदर और स्वस्थ बच्चा। यदि दोनों में से किसी को भी खतरा होता है या आगे चलकर कोई परेशानी क्रिएट हो तो हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यदि सोनोग्राफी के अंदर अब आपका बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ऊपर आ रहा है, यानी 3.5 किलो या 4 किलो तक है, तो डेफिनेटली फिर नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही खतरे वाली हो सकती है, हो सकता है कि बच्चा फंस जाए, हो सकता है कि औजार निकाल के डिलीवरी करानी पड़े, और जब भी औजार लगाए जाते हैं यानी फोर्सेप्स डिलीवरी की जाती है तो नीचे का जो रास्ता होता है वो फट जाता है, अंदर तक टाँके लगाने पड़ जाते हैं, जिससे फ्यूचर में जाकर दर्द काफ़ी दर्द बना रहता है, खून का नुकसान हो जाता है, बच्चेदानी निकालने की नौबत आ जाती है, या फिर प्रोलैप्स की संभावनाएं बढ़ जाती है, या फिर SUI जैसे कि खांसने और छींकने के साथ यूरिन लीकेज की समस्या बढ़ जाती है, किसी किसी को पॉटी निकलने की समस्या भी होती है, क्योंकि जो पॉटी का कंट्रोल सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लैंडअप ना कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है या एवरेज हाइट है, यानी 5-5.5 फीट हाइट है, और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि 6 फीट के आसपास नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो पेल्विस होता है उसका भी साइज़ छोटा होता है और उसमें से इतना बड़ा बच्चा निकलना संभव नहीं होता है। और जनरली जो इतना बड़े बच्चे का इतना बड़ा साइज़ होता है वो डायबिटिक मदर्स के अंदर देखा जाता है या और कोई सिंड्रोम के कारण होता है, तो वो भी एक इवेल्युएशन ज़रूरी है। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो बच्चे की सडन डेथ होने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी आई थिंक ट्राई नहीं करनी चाहिए और हमें सीधा इलेक्टिव सिजेरियन प्लान करना चाहिए, जिससे कि शुगर्स को कंट्रोल किया जा सके और डिलीवरी मेथड
ब्लड को कंट्रोल किया जा सके। और जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है, तो जब बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे तुरंत ग्लूकोज देने की ज़रूरत होती है। और यदि नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लग जाए और बच्चा अंदर फंस जाता है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो हमें ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना है। इसलिए डिलीवरी के आसपास के दिनों में जो बच्चे का वज़न होता है सोनोग्राफी के द्वारा मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट डिसीजन ले सकें, हमें बच्चे के बारे में और मदर के बारे में सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके। क्योंकि यदि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है तो हम इलेक्ट्रो सीजरियन प्लान कर सकते हैं, नॉर्मल है तो डेफिनेटली हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। और यदि बच्चा कमज़ोर है और वो नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस नहीं ले सकता और उसकी धड़कन कम हो सकती है या कमज़ोर बच्चा होने के कारण वो पूरा बर्थ कैनाल से नहीं निकल पाता तो भी उसे फिर असिस्टेड डिलीवरी की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को सपोर्ट करके डिलीवर आउट किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में भी हो सकता है कि कई लेडीज़ अब प्रेग्नेंट हो जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकती हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।